नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अपनी अलग अलग तरह की योजनाओं के चलते चर्चाओं में रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा महिलाओं पर रहेगा। यही नहीं, उनकी गाड़ी भी महिला ड्राइवर ही चलाएगी जो उन्हें सीएम हाउस से लेकर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक लेकर जाएगी। यहाँ महिला दिवस पर सरकार बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भोपाल और इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा कि भोपाल और इंदौर में तेजी से बढ़ रहे केस में कमी नहीं आई तो 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि इंदौर में मिले लंदन वेरिएंट से प्रभावित 6 मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि जिन लोगों की रिपोर्ट में यह संक्रमण पाया गया है वे कभी इंदौर से बाहर नहीं गए। शिवपुर जिले के बड़ोदा क्षेत्र में नागर गामड़ा गांव में एक मां ने अपनी 5 माह की मासूम बच्ची को स्तनपान कराना बंद कर दिया। इससे हीमोग्लोबिन कम होने से बच्ची बीमार हो गई तो उसे खून की जरूरत पड़ी, लेकिन मां ने खून देने से भी इनकार कर दिया। आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी को तरस आया तो उसने रक्तदान किया। परियोजना अधिकारी ने बताया कि महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेटे के हाथ में उसे 6वीं बेटी हो गई थी। पुलिस की विधानसभा में पोल खुल गई। पुलिस आरोपियों को तो पकड़ लेती है लेकिन कोर्ट में आरोप साबित करने और उन्हें सजा दिलवाने में कमजोर साबित हुई है। आंकड़ों पर नजर डाले तो पिछले 11 माह में महिलाओं और बालिकाओं के साथ रेप और अपहरण के 10,002 मामले दर्ज किए गए। रेप की 4,743 घटनाओं में 5,472 आरोपियों को जेल भेजा गया, लेकिन पुलिस सिर्फ 64 आरोपियों पर ही दोष सिद्ध कर पाई। वहीं अपहरण के 5,169 केस दर्ज किए गए जिनमें 1,295 आरोपियों को जेल भेजा गया, इनमें से सिर्फ 13 आरोपियों के खिलाफ ही दोष साबित हो पाया। डाबर और पतंजलि जैसी कंपनियों ने ग्वालियर चंबल अंचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में रुचि दिखाई है। इन कंपनियों को शहद, आलू, टमाटर और अमरूद से उम्मीद है। कंपनियों ने किसानों को सीधे उनसे जुड़ने को कहा है ताकि उनके उत्पाद खरीदे जा सके। शुक्रवार को यहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य शासन, एसोचैम और इन्वेस्ट इंडिया की संयुक्त भागीदारी में हुए शिखर सम्मेलन में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुरैना के शहद उत्पादक समूह के साथ MOU साइन किया है। इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगल में बसा गुंजारा गांव सड़क मार्ग से सीधे महू से जुड़ गया है। यह संभव हुआ है 50 ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से। उन्होंने पसीना बहाकर 1 किलोमीटर पहाड़ काटकर यह रास्ता बनाया। इसके बनने से गुंजारा की महू से दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई। इसका फायदा गुंजारा से सटे 7 गांवों को भी मिल रहा है। उनके पास ट्रेन के अलावा विकल्प के रूप में यह मार्ग है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश के 3 वकीलों के नाम हाईकोर्ट जज के लिए तय कर दिए हैं। इनमें इंदौर से अधिवक्ता विवेक शरण का नाम शामिल है। कॉलेजियम को केंद्रीय कानून व विधि मंत्रालय ने 7 नाम भेजे थे। इनमें 3 वकीलों के खिलाफ नकारात्मक टीप खुफिया विभाग ने भेजी थी। विगत 2 मार्च को हुई बैठक में शरण के अलावा ग्वालियर की निधि पाटनकर, जबलपुर के प्रणव वर्मा का नाम भी जज के लिए तय हो गया था। जबलपुर और इंदौर के एक एक अधिवक्ता के लिए काफी जद्दोजहद हुई लेकिन कॉलेजियम ने यह नाम रोक लिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के प्रतिष्ठा पूर्व चुनाव में अतिरिक्त महाधिवक्ता MPS रघुवंशी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पिछले चुनाव में 3रे स्थान पर रहे रघुवंशी ने इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद 1,759 वोट हासिल कर रिकॉर्ड 1,025 वोटों से जीत दर्ज की। यह भी पहला मौका है जब अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर रहते हुए अध्यक्ष का चुनाव जीता है। निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में DR शर्मा दूसरे और अनिल मिश्रा 3रे स्थान पर रहे। सचिव पद पर दिलीप अवस्थी और कोषाध्यक्ष पद पर पल्लव त्रिपाठी विजयी हुए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी के पद पर सुनील पाठक चुने गए। इसराइल के स्मार्ट तरीके से मध्य प्रदेश के 2 जिले मुरैना और छिंदवाड़ा में होने वाली आधुनिक खेती का प्रोजेक्ट विवादों में अटक गया है। उद्यानिकी विभाग ने इसराइल से सहमति के बाद छिंदवाड़ा में बनने वाले नींबू और संतरे के क्लस्टर को रोक दिया है। केवल मुरैना में सब्जी क्लस्टर मंजूर किया गया है। CM सचिवालय की आपत्ति के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा में फ्रूट क्लस्टर की जगह दूसरे जिले का चयन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS News ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS News ऐप।